पटना में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उड़ीसा में हुए रेल हादसे को लेकर पप्पू यादव ने कहा, पहले हुए कई हादसों पर कई रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आगे कहा कि जनता की जान की कीमत नहीं है। मतलब रेल मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि 2 लाख करोड़ रुपया टोटल वंदे मातरम में और सुरक्षा कवच उस ट्रेन पर लगेगी जो उस ट्रेन पर सुरक्षा कवच को दिखाया जाएगा जो ट्रेन में सिर्फ पप्पू यादव कूपन वाले और टैक्स के पैसे से तनख्वाह और करोड़ों रुपया लूटने वाले लोग चढ़ेंगे? एक भी मिडिल क्लास, गरीब, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, देश का गरीब माइनॉरिटी, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, एक भी आदमी जिसके पास इकोनॉमी 6000 से ऊपर नहीं है, 8000 से ऊपर नहीं है, क्या वो व्यक्ति इस ट्रेन में सफर करेगा? क्या वीआईपी के लिए सुरक्षा कवच होगी और आम आदमी, आम ट्रेन के लिए सुरक्षा कवच क्यों नहीं होगी?